हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रबंध की प्रक्रिया और उसके कार्य, जिसमें हमने प्रमुख कार्य और सहायक कार्यों की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं प्रबंध की भूमिकाओं की और प्रबंध के कौन कौन से स्तर होते हैं उनकी, यानी कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्रबंध की भूमिका के बारे में रहेगा और दूसरा रहेगा प्रबंध के पदानुक्रम या फिर प्रबंध स्तर के बारे में। इनके बारे में विशेष रूप से अपन आज चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपके किसी प्रकार के कोई भी डाउट है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताएं, हम आपकी समस्याओं को साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रबंधक की भूमिकाएं। देखिए, हमने प्रबंधक के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है। पिछली वीडियो में हमने देखा प्रबंध होता क्या है और जो व्यक्ति प्रबंध को करता है वो प्रबंधक कहलाता है। प्रबंधक प्रबंधक होने के नाते कौन कौन से रोल अदा करता है, कौन कौन सी भूमिकाओं का वो निर्वाह करता है, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे परिवार में जो मुखिया होता है, हमारे पिताजी है या हमारे दादाजी है, उनकी कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है, तो वैसे ही एक प्रबंधक जो होता है वो संस्था की रीढ़ की हड्डी, मतलब सर्वे सर्वा है। प्रबंधक सर्वे सर्वा होता है, तो इस सर्वे सर्वा होने के नाते एक प्रबंधक क्या कुछ करता है उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्व्यक्तिक भूमिका की। प्रबंधक प्रबंधक होने के नाते अंतर्व्यक्तिक भूमिका के अंतर्गत क्या करता है, वो एक व्यक्ति है और संस्था में वो सेपरेट है, तो वो क्या क्या कार्य करेगा। उन कार्यों में अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले कह रहा है मुखिया की भूमिका, यानी संस्था का अध्यक्ष। मुखिया कौन होता है, संस्था अध्यक्ष होता ना, तो इसे हम कह सकते हैं संस्था अध्यक्ष। और संस्था अध्यक्ष का कार्य होते हैं हम जानते हैं अच्छे से। एक संस्था अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं हम भली भांति जानते हैं। तो उसी प्रकार से संस्था का अध्यक्ष होने के नाते महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं उन पे साइन करता है, उन पे निर्णय लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, संस्था के हित की बात करेगा। तो सबसे पहले संस्था के अध्यक्ष होने के नाते जो महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को साइन करना, नीति निर्णय लेना, ये सारा कार्य प्रबंधक के द्वारा किसके तहत किया जाएगा, अंतर्व्यक्ति भूमिका के तहत किया जाएगा। अगर बात करते हैं नायक या नेता की भूमिका, हम सब जानते हैं कि एक नेता जो है अपने अनुयायी, अपने जो फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं, उन्हें क्या करता है, उनके लिए लीडर का काम करता है, उन्हें बताता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हें अभिप्रेरित करने का कार्य भी कौन करता है, नेता करता है। तो बस देख लीजिए, यहां पर भी अंतर्व्यक्ति भूमिका के अंदर भी क्या होगा, प्रबंधक अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, दोनों को क्या करेगा, नेता की भूमिका अदा करते हुए उन्हें अभिप्रेरित करेगा कार्य को करने के लिए। संपर्क अधिकारी की भूमिका क्या करेगा, वो लोगों से जनता का मत जानने के लिए संपर्क करेगा। संपर्क डायरेक्ट नहीं होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है। तो संपर्क अधिकारी होने के नाते वो क्या करता है, महत्वपूर्ण जानकारी को एकत्रित करने के लिए संपर्क करता है। अदर जो संस्थाएं हैं उनसे संपर्क करेगा, सरकार से संपर्क करेगा, विभिन्न जो ऑफिस है कार्यालय हैं उनसे संपर्क करेगा। किस लिए करेगा, महत्वपूर्ण जानकारी को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि उन जानकारी को एकत्रित करके ही उसे क्या करना होता है, निर्णय लेने होते हैं। तो अंतर्व्यक्तिक भूमिका में हमने तीन बातें देखी है। सबसे पहले मुखिया के रूप में वो क्या कार्य करता है, तो हमने देखा महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। नेता के रूप में क्या करता है, अभिप्रेरित करता है अपने कर्मचारियों को। और संपर्क अधिकारी के रूप में क्या करता है, लोगों से मेलजोल करता है, मिलन करता है, ताकि वो उनके जो मोटिव्स हैं उनको जान सके। बात करते हैं सूचनात्मक भूमिकाएं। अगर वो सूचना को संग्रहित करने वाला व्यक्ति है या सूचना को प्रेषित करने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे में वो क्या क्या कार्य करेगा, तो उन कार्यों में हम देखते हैं क्या क्या कार्य करता है। तो देखिए सूचनात्मक भूमिका का सबसे पहला जो है प्रबोधक।
अरे भाई जाहिर सी बात है, जब हम किसी को सूचना देने वाले हैं तो हमारे पास में सूचना होनी भी चाहिए ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सूचनाओं को एकत्रित करना है। जैसे ही आपके पास में सूचना एकत्रित हो जाएगी, अब आपके पास में क्या पर्याप्त मात्रा में सूचना एकत्रित हो गई है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये प्रबोधक बोध होना, ज्ञान होना चाहिए उसे कि क्या क्या हो रहा है संस्था में। तो सारी सूचना क्या करता है, एकत्रित करता है किसके मार्फत, निरीक्षण, क्योंकि एक निरीक्षक होता है, घूमेगा पूरा, देखेगा मेरी संस्था में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या मेरी संस्था सही और कार्य कर रही है। तो ऑब्जर्वर की भांति कार्य करता है और सूचनाओं का संकलन करता है, कलेक्शन करता है। उसके बाद बात करते हैं प्रसारक, प्रसार करना, फैलाना, प्रसारक क्या, प्रचारक। और इसमें ही क्या करेगा, महत्वपूर्ण सूचनाओं को, जो सूचना एकत्रित की गई है, उन एकत्रित की गई सूचनाओं को क्या किया जाएगा, आगे फॉरवर्ड किया जाएगा जरूरत के अकॉर्डिंग। भाई जिस विभाग में जिस सूचना की आवश्यकता रहेगी उसे वो सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। सबको सभी प्रकार की सूचना देना कौन सा आवश्यक है, हमें पता है हमें कर्मचारी को क्या सूचना देनी है, क्या सूचना अधिकारी को देनी है। तो उस अनुसार क्या करता है, वो सूचनाओं का प्रसार करता है। सूचनात्मक भूमिका है ना, तो प्रसार भी किसका होगा, सूचनाओं का होगा, इन्फॉर्मेशन का होगा। प्रवक्ता की भूमिका, प्रवक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, क्या बोलेगा, तो संस्था के संबंध में जो भी सूचनाएं हैं वो सरकार को क्या सूचना प्रेषित करनी है, जनता को क्या सूचना देनी है, हमारे जो नियोक्ता है या हमारे जो ग्राहक हैं उन तक क्या सूचनाएं पहुंचानी है, ये सब यहां से होता है। प्रवक्ता वो अपने प्रवक्ता की भूमिका को अधिक करते हुए क्या करता है, लोगों को जानकारी देता है, लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी जो लोगों के पास होनी चाहिए उसे पहुंचाने का कार्य करता है। अंतर्व्यक्तिक भूमिका हमने देखा, सूचनात्मक भूमिका हमने देखा, अब बात करेंगे निर्णयात्मक भूमिकाएं। डिसीजन लेना है, क्या करना है, डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, किस संबंध में निर्णय लेना है देखते हैं। अब देखिए जब निर्णय लेने की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है साहसी या उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। क्या करता है, जोखिम वहन करता है, सबसे बड़ा कार्यभार तो इसी के पास में है। संस्था में लाभ होगा तो हानि होगी, इसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेगा, यही व्यक्ति तो लेता है। तो एक उद्यमी के नाते, एक साहसी होने के नाते क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा संस्था के हित में है, कौन सा अहित में है, तो हित अहित की बात करना, जोखिम की बात करना, और उस जोखिम को वहन करते हुए क्या करना, संस्था को ऊंचाइयों तक लेके जाना। क्योंकि अगर आप हिम्मत नहीं करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये सिस्टम होता है कि अगर कुछ पाना चाहते हो तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, आपको जोखिम उठानी पड़ेगी, बिना जोखिम के आप क्या नहीं कर सकते, लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। अगला है संसाधन वितरक भूमिका, सॉरी अशांति या उपद्रव निवारक भूमिका। अशांति, मान लीजिए आपके कर्मचारी आपस में किसी बात को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो जाता है, उनके विचार नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वो आपस में बहस करने लग जाएंगे, वाद विवाद होगा, और अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो आपकी संस्था को नुकसान भी हो सकता है। तो अपनी संस्था को नुकसान से बचाने के लिए और उनके बीच में जो भी मतभेद उत्पन्न हुए, उपद्रव मतलब हल्के फुल्के झगड़े होते रहते हैं, हर एक संस्था में होते हैं, तो उनमें होने वाले जो उपद्रव है या छोटी मोटी जो कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है, उनके बीच में जो कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हो गई है, उनको दूर करने का कार्य भी कौन करता है, प्रबंधक करता है। तो यहां पर क्या करता है, वो एक शांति दूत के रूप में कार्य करता है। अशांति को मिटाने के लिए कौन सा दूत, शांति दूत के रूप में कार्य करेगा, और वहां जो कुछ प्रकार की असामाजिक गतिविधियां हो रही है या ये कह सकते हैं कि जो भ्रांतियां फैली हुई है उनको क्या करेगा, वो उनको मिटाने का कार्य करेगा, उनके बीच में सुलह करने का कार्य प्रबंधक करता है। अगला है संसाधन वितरक भूमिका, कौन सा कर्मचारी कितना योग्य है और उसे क्या कार्यभार देना है, ये डिसीजन भी कौन लेता है, प्रबंधक लेता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संसाधन वितरक।
क्योंकि कुशल व्यक्ति को ही आपको कार्य सौंपना है। अगर आप हर किसी व्यक्ति को कार्य सौंपेंगे तो आप उस कार्य में कुशलता हासिल नहीं कर सकते। तो व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको क्या करना, कार्यभार सौंपना। और अंतिम बात करते हैं मध्यस्थ या वार्ताकार की भूमिका। काय की बातें करेगा भाई, किसी ना किसी समय बात तो करेगा। वो बात करता है जो नियोक्ता है, नियोक्ता तक बातें पहुंचाता है। किनकी? आपके संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों की। आपके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके क्या कुछ मतभेद हैं, उनकी क्या कुछ सूचनाएं जो है जो आगे प्रेषित करनी है, तो ये कार्य भी कौन करता है? ये कार्य भी प्रबंधक द्वारा किया जाता है। क्या कार्य? मध्यस्थ का कार्य करता है। सूचनाओं को आपसे एकत्रित किया, कर्मचारियों से एकत्रित किया, और अपने से ऊपर लेवल के जो नियुक्ता है यानी संस्था के वास्तविक मालिक जो है उन तक पहुंचाना, उनका जो निर्णय होता है उन्हें वापस कहां तक लाना, कर्मचारी तक लाना। तो ये कार्य भी कौन करता है? प्रबंधक करता है। अंतर्व्यक्तिक भूमिका, सूचनात्मक भूमिका और निर्णयात्मक भूमिका, तीन प्रकार की भूमिकाओं को अदा करता है कौन? प्रबंधक। अच्छा, भूमिकाओं के बारे में हम बात करते हैं, स्तर की, लेवल की बात करते हैं। तो देखिए, आजकल व्यवसाय का स्वरूप जो है ना बहुत ही बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया है। तो पहले कैसा था? छोटा था, छोटा ही तो था। अब छोटा था, कैसे छोटा था? तो हम लोगों को पता है कि पहले क्या होता था कि हमारे संगठन में संगठन का संचालन, उसका प्रबंधक सभी एक व्यक्ति होते थे। छोटा सा संगठन है, एक व्यक्ति सारा काम संभाल लेता था। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि संगठन के आकार इतने बड़े होते जा रहे हैं कि नियोक्ता को तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। तो सारा काम कौन संभालता है? प्रबंधक संभालता है। प्रबंधक क्या करता है? जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको डिवाइड कर देता है, कुछ भागों में बांट देता है, और उस आधार पर कार्य को सरलतम भागों में विभाजित करते हुए अपने जो उद्देश्य होते हैं, अपने जो लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करता है। तो हम बात करेंगे स्तर की, कौन कौन से लेवल है और किन लेवल के माध्यम से प्रबंधक जो है अपने कार्य को कुशलतम ढंग से करते हैं। तो देखिए, बात करेंगे प्रबंधकीय पदानुक्रम या फिर प्रबंधकीय स्तर की बात करेंगे हम। पहले दो स्तर होते थे, कौन कौन से? उच्च और निम्न, दो स्तर केवल। पहला उच्च स्तर जिसमें अधिकारी, और फिर होता था निम्न जो क्या करते थे? कर्मचारी जो हैं, अपने जो श्रमिक हैं, एम्प्लॉय जो हैं, कर्मचारी के ऊपर क्या करते थे? वो नियंत्रण रखते थे। लेकिन आजकल इनके बीच में एक और आ गया, कौन आ गया? मध्यम प्रबंध। तो चलिए, तीनों के बारे में हम थोड़ी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं उच्च या शीर्ष प्रबंध की, सबसे ऊपर लेवल का, हाई लेवल का प्रबंध है ना, हाई प्रोफाइल है इसकी। हाई प्रोफाइल है तो काम भी उस अकॉर्डिंग करेगा। देखते हैं क्या कार्य करता है ये। तो देखिए, उच्च या शीर्ष प्रबंध की हम बात करें तो इनमें किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा? संचालक मंडल, प्रबंध संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, अधिशासी अधिकारी यानी संगठन के जो सर्वे सर्वा जो है, मुखिया जो है, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, वे सब इसमें शामिल हो जाएंगे। अब ये क्या करते हैं? ये जो है नियोक्ता के हितों की बात करेंगे। संगठन में वास्तव में जो पैसा लगाता है वो लगाता है नियोक्ता, जिसे हम अंसारी भी कहते हैं। तो नियोक्ता के हितों की बात करेंगे यहां पर। ये जो नियोक्ता होते हैं उनके हित को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे। कौन करेंगे? ये जो अपने उच्च स्तर के जो प्रबंधक है ये। अच्छा, उसके बाद में हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य पर फोकस भी इन्हीं को करना है। ये पूरा निर्णय लेंगे, डिसाइड करेंगे करना क्या है, कौन कौन क्या क्या कार्य करेगा। तो सारा कुछ मैनेजमेंट, मुख्य प्रबंध जो है ना वो इनके द्वारा किया जाएगा। मुख्य रूप से क्या क्या करना है, जैसे निर्णय लेना, नीतियां बनाना, कार्यात्मक विचारधारा, क्या क्या कार्य करने हैं, ये सब है। इसके अतिरिक्त अपना उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, किस गोल के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसका निर्धारण भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे न्याय संबंधी कार्य जो होते हैं, न्याय संबंधी मतलब
किसी प्रकार का कोई मतभेद हो रहा है तो उस मतभेद को मिटाने के लिए भी हम सबसे पहले किनके पास जाएंगे, इन्हीं के पास जाएंगे, इन्हीं से हम अपील करेंगे, साहब देखिए हमारे साथ जो है संगठन में उचित व्यवहार नहीं हो रहा है, या हमारे साथ में जो कुछ भी गलत, मतलब जो भी गलत फहमियां उत्पन्न हो रही है, आप इनसे संबंध या संपर्क स्थापित करेंगे और अपने जो भी विचार है, अपने मतभेद हैं, उनको बताएंगे और न्याय की आशा भी आप क्या करेंगे, इन्हीं से करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, कार्य विधि का चयन करना, लक्ष्य का चयन करना, न्याय दिलाना, सब महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, इनकी अगर बात की जाए कार्यों की, कि कार्य क्या क्या करेंगे, तो कार्य बात करते हैं इनके द्वारा कार्य किया जाएगा अपने से निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, यानी मध्यम प्रबंध, और उससे नीचे कौन, निम्न प्रबंध, इन दोनों को आदेश और निर्देश देने का कार्य करेंगे। कौन करेंगे, यही शीर्ष प्रबंध। इसके अलावा विचार विमर्श करना, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो इनसे भी सलाह ली जाएगी, इनसे भी सलाह ली जाएगी, दोनों से बातचीत की जाएगी, और उसके बाद में जो उचित निर्णय है वो लेने का कार्य कौन करेंगे, ये करेंगे, लेकिन विचार विमर्श जरूर किया जाएगा इनके साथ भी। इसके बाद में है सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा, बजट का अनुमोदन करना, बजट बनाना, बजट बना करके उसमें जो अपनी हेड है, जो मदें हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करना, तो बजट का अनुमोदन भी कौन करते हैं, यही करते हैं। इसके अलावा हम जो कार्य कर रहे हैं, हमने जो कुछ भी किया, जो भी हमने कार्य किए हैं, उन कार्यों से प्राप्त होने वाले परिणाम, रिजल्ट, उन रिजल्ट की जांच भी कौन करेंगे, यही करेंगे कि वास्तव में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे क्या हम उसे प्राप्त कर पा रहे हैं, अगर नहीं तो कहां कमी रह गई, और उसके अनुसार वापस क्या किया जाएगा, योजना बनाई जाएगी कि कैसे अब जो शेष समय है उसमें हमारे जो लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जाए। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जो नियुक्ति का कार्य होता है वह भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं उच्च या शीर्ष प्रबंध की, जिसमें हमने देखा किन किन को शामिल किया जाता है, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, कितना सारा बर्डन जो है इनके ऊपर रहता है। देखिए अगर मैं बात करूं ना व्यवहार की, तो ये व्यवहारिक कार्य तो बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो इन्हीं को करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात की जाए तो कौन करते हैं, यही व्यक्ति करते हैं। सबसे बड़े सर्वेसर्वा जो है वो यही है, डिसीजन इन्हीं को लेना है, और इन्हीं के द्वारा जो आदेश या निर्देश दिए जाएंगे ना, इनको जो है मध्यम स्तरीय और प्रथम श्रेणी के जो प्रबंधक है वो फॉलो करेंगे। तो इसके बाद में सेकंड आता है अपना मध्यम प्रबंध। अब मध्यम प्रबंध की क्या आवश्यकता पड़ी, तो कहा गया कि भाई इनका लेवल बड़ा हाई प्रोफाइल है ना, इनका बड़ा लो, ये राजा हो गया, ये रंक हो गया, तो बीच में मध्यम श्रेणी में भी आना चाहिए लोग। तो इस प्रकार से इसकी आवश्यकता पड़ी कि जो कुछ निचले लेवल पर कार्य हो रहा है, नीचे लेवल अपना है, यानी जो अपना फर्स्ट लाइन जिसे हम कहते हैं या निम्न प्रबंध जिसे कहते हैं, तो निम्न प्रबंध पर जो कार्य हो रहा है उस कार्य की मॉनिटरिंग करना, उनके कार्य को क्या करना, एनालिसिस करना, और उसके संबंध में जो भी सूचनाएं हैं उनको क्या करना, ऊपर तक पहुंचाना, ये सब कार्य करने के लिए इनको बुलाया गया। इनको कहा गया महोदय आप पधारिए, आपकी जरूरत है हमें। क्यों जरूरत है कि साहब हमारे पास में काम ज्यादा है, तो आप इनको क्या करिए, मॉनिटरिंग करिए, और मॉनिटरिंग करने के बाद में आप जो एनालिसिस निकालेंगे, जो कुछ आप विश्लेषण करेंगे, उस विश्लेषण के डेटा जो है आप हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, हम देख लेंगे कार्य कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, क्या कुछ कमी है, क्या कुछ करने की आवश्यकता है, और उस अनुसार डिसीजन लेने का कार्य तो हमें ही करना है, क्योंकि हम ठहरे हाई लेवल वाले, तो ये हाई लेवल वाले जो काम है वो ही कर लेंगे, बाकी इनको तो क्या करना है, इनके ऊपर ध्यान रखना है। और यहां से जो कुछ भी इनको कहा जाएगा, जो भी आदेश प्राप्त होंगे, निर्देश प्राप्त होंगे, इन निर्देशों को क्या करना है, आगे तक फॉरवर्ड करना है, आगे बताना है। तो ये मध्यम प्रबंध की बात हुई। अच्छा, इनके कार्यों की अगर बात करें हम कि क्या क्या कार्य करते हैं, तो कार्य में सबसे पहले क्या करेंगे, नीतियों की व्याख्या करना, यानी जो उच्च स्तरीय प्रबंधक जो अपने हैं उन्होंने जो नीतियां बनाई हैं, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है,
उस पॉलिसी को क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। भाई कर्मचारी है, उनको आप हाई लेवल से तो बता नहीं सकते, इनका ठहरा हाई लेवल, तो हाई लेवल से इनको लो लेवल में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कर्मचारियों को, जो नीतियां बनाई गई हैं उनको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद में कार्य का संचालन कैसे करना है, व्याख्या कर ली अपन ने, अब जो आप कार्य करने वाले हो उस कार्य का संचालन कैसे होगा, उसको आप वास्तव में कैसे अमल में लाओगे, उसके लिए भी क्या करना होता है, उनको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, निर्देश देने होते हैं। और ये निर्देश देने का कार्य भी कौन करते हैं, बिचौलिया महोदय करते हैं। हाँ जी, ये बिचौलिया महोदय बताते हैं। उसके बाद में ये जो निम्न स्तर के प्रबंधक जो है, ये फुल डे यानी प्रतिदिन कितना कुछ कार्य कर रहे हैं, उस प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के क्या करेंगे, ये लोग निरीक्षण करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, प्रतिदिन देखेंगे कि टारगेट कितना पूरा हुआ, हमने कितना कुछ टारगेट रखा था और हमने कितना उसको पूरा कर लिया है। अच्छा, इसके बाद में अगला कार्य करते हैं, ये क्या करेंगे अगला कार्य, समन्वय। कैसा समन्वय, दोनों के बीच का समन्वय, कोऑर्डिनेशन करेंगे सब, इनकी बातों को यहां तक लाना, यहां से यहां तक लेके जाना, संसाधनों के बीच में और कर्मचारियों के बीच में जो कुछ भी मतभेद हो रहे हैं उनको ये सॉल्व आउट कर देंगे, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। भाई समस्या बड़ी हो तो आगे तक लेके जाए ना, छोटी है अगर ये अपने लेवल से अगर उसको सॉल्व आउट कर पा रहे हैं तो वो इनको यहीं से सॉल्व आउट कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, निम्न स्तरीय जो प्रबंधक अपने हैं, कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, तो ये निम्न स्तरीय प्रबंधक क्या करते हैं, इनको अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे कि ये कार्य को यथा समय जो अपने निश्चित समयावधि है उसमें प्राप्त कर सके। इसके अलावा ट्रेनिंग देने का कार्य, कर्मचारियों को क्या करना, प्रशिक्षण देना, जो तकनीकी में बदलाव आ रहा है उस तकनीकी में बदलाव के कारण क्या होता है, हमें उनको प्रशिक्षण देना होता है, ट्रेनिंग देनी होती है। तो ये ट्रेनिंग देने का कार्य भी किन के द्वारा किया जाता है, मध्यम स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्न स्तरीय जो कर्मचारी हैं इनमें होने वाले मतभेद या जो कुछ भी इनमें विवाद हो रहा है उस विवादों का निपटारा भी इन्हीं मध्यम प्रबंध के द्वारा किया जाता है। तो उच्च या शीर्ष प्रबंध की हमने बात करी, जिसमें हमने देखा हमने संचालक मंडल, प्रबंध संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अधिशासी अधिकारी को इसमें जोड़ा था। जबकि बात करें अगर मध्यम प्रबंध की तो इनमें कौन कौन, क्षेत्रीय प्रबंधक, उसके बाद मंडल प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक और संयंत्र प्रबंधक, इनको मध्यम श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अंतिम प्रथम पंक्ति या फिर निम्न प्रबंध की, जिसमें शाखा प्रबंधक उस ब्रांच का जो मैनेजर हो जाएगा, अनुभाग उसमें जो अलग अलग डिवीजन बनाए गए हैं, पर्यवेक्षक प्रबंध निरीक्षक और फोरमैन दल नायक, यानी वास्तव में जो कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उन पर कार्य करने वाले व्यक्ति फोरमैन, तो इनको रखा जाएगा किसमें, प्रथम पंक्ति में। अच्छा, इनको कहते हैं धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति। ये कर्मचारी कैसे धरातल से जुड़े हुए हैं, धरातल से कैसे जुड़े हैं, क्योंकि वास्तविक कार्य जो किया जा रहा है ना वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। हम जो वास्तविक कार्य की बात कर रहे हैं वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, बाकी तो क्या करते हैं, आदेश और निर्देश का कार्य कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं एक दूसरे को, बाकी वास्तव में जो कार्य है वो कौन करता है, प्रथम पंक्ति के जो प्रबंधक होते हैं, जो निम्न श्रेणी के जो प्रबंधक हैं, इन्हीं के द्वारा वास्तव में उस कार्य को अमल में लाया जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, धरातल से जुड़े हुए श्रमिक। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं अगर इनके कार्यों की, तो ये क्या क्या कार्य करते हैं, तो देखिए ये कार्य करते हैं अपने कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य का निरीक्षण, इनके अंडर में जो कर्मचारी कार्य करेंगे उन कर्मचारियों का निरीक्षण करेंगे ये। उसके अलावा किस कर्मचारी से क्या कार्य करवाना है उसका निर्णय भी ये जो प्रथम पंक्ति के जो प्रबंधक होते हैं इन्हीं के द्वारा किया जाएगा, यानी कार्यभार सौंपना, कार्यभार सौंपने का कार्य भी कौन करते हैं, निम्न प्रबंधक करते हैं। इसके बाद बात करेंगे उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है
कर्मचारी जो कार्य करेंगे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की समीक्षा करना, कार्य की समीक्षा करने का कार्य भी कौन करेंगे, यही निम्न प्रबंधक करते हैं, जो बताते हैं आप कार्य को कितना अच्छे से कर पाए हैं, क्या कुछ कमी रह गई है, उसमें क्या कुछ सुधार की आवश्यकताएं हैं। उसके बाद में व्यक्तिगत प्रबंध का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, प्रशासनिक कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर प्रबंध का कार्य करेंगे, और साथ ही साथ में जो कर्मचारी होते हैं, जो निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो फॉर्मल नायक के नीचे कार्य कर रहे हैं, इनको परामर्श देना या इनका मार्गदर्शन करना, यह कार्य भी निम्न स्तरीय प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। तो पदानुक्रम में हमने देखा उच्च या शीर्ष प्रबंध, जिसमें हमने देखा है संचालक मंडल, प्रमुख संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अधिशासी अधिकारी। बात करें अगर मध्यम प्रबंध की तो इसमें देखा हमने क्षेत्रीय प्रबंधक, रीजनल, फिर मंडल आ जाएगा, जोनल, उसके बाद में विभागीय प्रबंधक हो जाएगा, फिर संयंत्र प्रबंधक। फिर बात करते हैं अंतिम धरातल से जुड़े हुए अपने, कौन, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक, क्या करते हैं ये, इनमें हम शामिल करते हैं शाखा प्रबंधक को, अनुभाग प्रबंधक, पर्यवेक्षक प्रबंधक और फॉर्मल दल नायक। तो हमारा जो ये टॉपिक था प्रबंध के प्रक्रिया कार्य, इनका जो हम पहले वीडियो जो है उसमें कर चुके हैं, आज हमने प्रबंध की भूमिका और उसके स्तर की बात करी है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ, अगली वीडियो में हम आपके लिए और नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए अलविदा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका प्यार हमें इसी तरह से देते रहें। धन्यवाद।